नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम क्लास टेंथ का गणित जिसमें चैप्टर नंबर 5, इस चैप्टर के बच्चों हम समांतर श्रेणी जो चैप्टर है बड़ा, इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल करा रहे थे। तो बच्चों, 1 से लेकर के 10 तक के उदाहरण कम्प्लीटली चल चुका है, और अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप देखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो, तो बच्चों वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हो। आज हम उसके आगे के जितने भी एग्जाम्पल हैं उसे सारे क्वेश्चन को कम्प्लीटली करवाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना बच्चों। तो सारे उदाहरण करने से पहले बच्चों, कुछ बेसिक रूल है, उस रूल्स को समझ लोगे तो डेफिनेटली बच्चों आपको सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है बच्चों, बिकॉज हमें यही नहीं पता है चलता है कि उस क्वेश्चन को पढ़ करके हमें निकालना क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में यही कंफ्यूजन होता है कि सर हमें सवाल तो समझ में आ रहा है, सवाल समझा रहे, वो कर तो ले रहा हूं, लेकिन सर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वो सारे डाउट्स, वो सारी चीजें बेटा मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को वॉच करना है, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले बेटा कुछ बेसिक रूल्स क्या है वो देखो। जैसे बच्चों ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है बच्चों प्रथम पद, और डी बच्चों डी का मतलब होता है सार्वंतर, और सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, तो डी बराबर ए टू माइनस ए वन, यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करोगे तो आपको डी मिल जाएगा। और बच्चों किसी भी सवाल के अंदर अगर ये वाला शब्द दिखाई देता है वहां पर, तब बच्चों आपको हमेशा ए एन का ही सूत्र लगाना है। फिर से क्या कह रहा हूं बच्चों, जिस सवाल के अंदर वह पद दिखाई दे तो आपको ए एन का ही सूत्र लगाना होगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस, यहां पर आएगा बच्चों डी। क्लियर। चलिए नोट करते हैं बच्चों, कुछ नोट इंपॉर्टेंट है जो आपको पता नहीं चलता है वो भी मैं बता दूं। अगर किसी सवाल के अंदर बच्चों तीसरा पद लिखा हो, या चौथा पद लिखा हो, या पांचवा पद हो, या सातवा पद हो, या नौवा पद हो, या पंद्रहवा पद हो, कोई भी पद लिखा हो, जैसे तीसरा पद बोले तो ए थ्री लिख देने का, चौथा बोले तो ए फोर कर देने का, पांचवा बोले तो ए फाइव कर देने का, सातवा बोले ए सेवन कर देने का, तो बस एक के साथ में जो नंबर दिया वो लिख देने का। तो बच्चों अगर ए थ्री का सूत्र बनाना होगा, शॉर्टकट सूत्र बनाना है ए थ्री का, तो कैसे बनाओगे? ए थ्री का शॉर्टकट सूत्र कैसे बनाओगे? ए थ्री बराबर ए प्लस तीन है तो एक कम कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा? टू डी। अगर ए फोर बनाना क्या होगा? ए प्लस थ्री डी। अगर ए फाइव बनाना क्या होगा? ए प्लस फोर डी। क्लियर हुआ बच्चों? इस तरीके से बच्चों हमें इस पद को भी कैलकुलेट करना होता है। अब बच्चों सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारे टॉपिक तो हमारे क्लियर हो गए। अब हम बात करते बच्चों, ये जिस भी सवाल के अंदर बच्चों योग लिखा हो, जो भी सवाल के अंदर अगर आपको योग शब्द दिखाई दे, ठीक है बच्चों, तो आपको कंपलसरी एसिन का फॉर्मूला लगाना है। तो एसिन बराबर एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर हुआ? और बच्चों एसिन के वैसे तो दो फॉर्मूला है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर बड़ा वाला सूत्र चलो क्लियर हो गया, पर सर छोटा वाला सूत्र कब लगाने का? बच्चों छोटा वाला सूत्र आपको कब लगाना है? जब सवाल के अंदर बच्चों ए एन दिया हो या तो एल दिया हो। अब बच्चों एल या ए एन क्या होता है? अंतिम पद दिया हो। क्या दिया हो? अंतिम पद दिया गया हो, लास्ट टर्म दिया गया हो, तब बच्चों आपको ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है। और बच्चों मैंने इसका दो करण, इसका नाम भी रख दिया है, बड़े वाले को बोलते बच्चों हस्बैंड, ऐसे समझने के लिए, सो फनी।
और छोटे वाले को बोलते बच्चों वाइफ। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जिस सवाल में आपको प्लस 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 माइनस 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 या प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर ये सारे वर्ड अगर आपको दिखाई देते बच्चों, ये सारे साइन अगर आपको दिखाई देते बच्चों, तो आपको दो स्टेप के अंदर सवाल को कंप्लीट करना है। कितने स्टेप में? टू स्टेप्स में। क्लियर? चलिए स्टेप नंबर वन में क्या निकालेंगे बच्चों? ए और डी निकालेंगे। स्टेप नंबर टू में बच्चों कंपलसरी बच्चों आपको ए एन का फॉर्मूला लगाना है, लगाना है, लगाना है। और स्टेप थ्री में बच्चों आपको छोटा वाला फॉर्मूला मतलब वाइफ वाला सूत्र आपको लगाना है, लगाना है, लगाना है। ये तीन स्टेप के अंदर बच्चों आपको कंप्लीटली सवाल को सॉल्व करना रहता है। आई उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सारे रूल्स, सारे नियम आपको कंप्लीटली समझ में आ गए। तो बच्चों एक से दस तक के उदाहरण मैंने ऑलरेडी करा दिया था। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 13। बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बस वीडियो में बने रहना बच्चों। चलिए सबसे पहले बच्चों यहां पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एपी बराबर 24, 21, 18 के कितने पद के लिए की जाए कि ताकि उनका योग 78 हो। बच्चों सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ आ गया? योग। अभी मैंने बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि जिस सवाल के अंदर बच्चों क्या लिखा हुआ है, योग लिखा हुआ है, आपको कंपलसरी ए सेन का फॉर्मूला लगाना है, लगाना है, लगाना है। क्लियर? चलिए तो एसएन का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको ए और डी निकालना ही पड़ता है, लगभग वो सभी सवाल में निकालना पड़ता है। तो बच्चों ए कितना हो जाएगा? तो ए हो जाएगा बच्चों आपका 24 और डी, तो डी का सूत्र क्या होता है? A2 - A1। तो A2 कितना बच्चों? 21 माइनस करेंगे 24, तो माइनस का बच्चों कितना आएगा यहाँ पर, जल्दी बताओ, माइनस का आएगा 3, तो डी बराबर कितना आ गया माइनस का? 3। और बच्चों योग बोला है तो यानी एसिन, तो एसिन बराबर कितना है बच्चों? 78। क्लियर हुआ बच्चों? अब यहां पर अब आपको निकालना क्या है बच्चों? एन की वैल्यू निकालना है, ठीक है? कितने पद यानी कि एन की वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर एसिन का सूत्र लगा देती हूँ, तो एसिन बराबर एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 टी। एसिन बराबर एन बाय टू कितना दिया बच्चों? एन तो दिया नहीं है, तो एन बटे 2, 2 का 2 a, a कितना दिया बच्चों? 24 प्लस एन तो दिया नहीं, डी आपको दिया माइनस का 3। और बच्चों एसिन की वैल्यू कितना दिया है? एसिन की वैल्यू दिया 78, तो 78 बराबर एन बाय 2 24 गुना 48 प्लस एन माइनस 1 माइनस 3, ठीक है? चलिए अब बच्चों ये गुणाकार में, सॉरी भागाकार में इधर आएगा, तो गुणाकार में तो 78 मल्टीप्लाई 2 बराबर एन, यहाँ पर आएगा 48 प्लस, अब बच्चों 3 का गुणा इनमें करो तो माइनस का 3 एन, फिर माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है? आगे बच्चों 48 में 2 का गुणा करो, सॉरी 78 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 156 आएगा बराबर n। और बच्चों यहाँ पर 48 प्लस माइनस माइनस 3n, फिर यहाँ पर प्लस 3, ठीक है? चलिए तो 156 बराबर n, बच्चों 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 51 माइनस 3n। क्लियर हुआ? आगे बच्चों बढ़ते हैं, तो 156, अब बच्चों ये n का गुणा 51 में करेंगे तो 51n माइनस 3n स्क्वायर। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, अब हमें करना क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले क्या करोगे, पहले उसका ट्रिक समझ लो बच्चों। चलिए बच्चों यहाँ तक हो जाए ना, तो उसके बाद आपको करना क्या रहेगा पहले वो समझ लो बच्चों। अब ये सारी चीज़ों को बच्चों यहाँ पर लाओ, तो ये हो जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर बराबर कितना है?
56, ये हो जाए बच्चों। अब आपको क्या करना है, ये तीन के पहाड़े में 3 से 51 कट रहा है और 3 से 156 भी कट रहा है। तो बच्चों कैसे करोगे पहले वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर कट कैसे करोगे, तो बच्चों यहाँ पर 3 से सब में भाग दे दो। 3 में सबसे भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 3। क्यों 3 से किया, क्योंकि 3 के पहाड़े में तीनों को कट रहे हैं। मतलब ये 3 से कटेगा बच्चों 17 बार में, ये 3 से कटेगा 1 बार में, ये 3 से कटेगा बच्चों कितनी बार में कटेगा, 52 बार में कटेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आएगा बच्चों 17n - n² - 52। यहाँ तक हो जाए बच्चों। अब आपको इसको क्या करना है, सीक्वेंस में करना है। बच्चों सीक्वेंस में कैसे करोगे पहले वो समझ लो। सीक्वेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले सबसे बड़ी पावर लेंगे, तो सबसे बड़ी पावर लेंगे बच्चों माइनस के साथ लेंगे, तो माइनस का एन स्क्वायर, ये प्लस का है तो प्लस कर दो 17n, और बच्चों ये बराबर है तो बराबर कर दो 52। ठीक है, अब बच्चों इसको सॉल्व और अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसी के आगे क्या लगा देंगे, हम 0 लगा देंगे। तो यानी एन स्क्वायर प्लस 17n बराबर 52 बराबर 0, सॉरी ये प्लस का है बच्चों, इधर आएगा बराबर किस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था इधर आएगा तो माइनस, बराबर लगा देंगे 0। अब बच्चों इसको ये माइनस, ये वाला माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजों को बड़ा बराबर के उस साइड भेजेंगे तो साइन चेंज होता जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ बच्चों, जैसे ये एन है बड़ा, ये इधर देखो ये प्लस का है बच्चों, बराबर कुछ सट जाएगा तो प्लस का 52 हो जाएगा, और ये प्लस का 17 है उधर जाएगा तो माइनस का 17n हो जाएगा, और ये माइनस का n² है उधर जाएगा तो प्लस का n² हो जाएगा, और बराबर लगा देंगे बच्चों 0। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे क्या निकालना है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। चलिए तो लिखेंगे n² - 17n फिर प्लस 52 बराबर a। अब बच्चों 52 का ऐसा फैक्टर पढ़ना है कि जोड़ने या घटाने पे बच्चों 17 आना चाहिए। तो 52 का बच्चों ऐसे फैक्टर पढ़ोगे तो कितना आएगा, 13 * 54 52। तो 13 में 4 का गुणा करोगे तो 52 आएगा, और 13 + 7 13 में 4 जोड़ोगे बच्चों 17 आ जाएगा। बट हमें माइनस का चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, और हमें माइनस का 17 चाहिए तो बड़ी संख्या क्या, माइनस, इसलिए माइनस। यहाँ पर एन है तो बच्चों 17n की जगह पे हमें लिखना है ये। इस तरीके से बच्चों हमें क्या करना होता है, फैक्टर पढ़ना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों पहली और छिल्ली, बच्चों जैसा लिखा है उसको वैसे की वैसे लिख दो। तो इसकी जगह पे लिखेंगे ये माइनस का 13n माइनस का 4n, तो दो दो की जोड़ी बना दो बच्चों। इसमें कॉमन क्या रहा है, n, क्या बचेगा n माइनस 13, इसमें बच्चों माइनस का क्या आएगा, कॉमन 4 आएगा तो n माइनस 13। अब बच्चों यहाँ पर माइनस कैसे आया, बाहर माइनस है तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी बच्चों, बदल जाएगी बराबर 0। अब ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिख दो बच्चों, ये जो बागड़ बिल्ला की तरह बाहर घूम रहे हैं इनको भी पैक कर दो तो n माइनस 4 बराबर 0। फिर करेंगे n माइनस 13 बराबर 0, फिर n माइनस 4 बराबर 0। अब बच्चों ये माइनस का बराबर कुछ सट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 13, और ये माइनस का बच्चों उधर जाएगा तो n बराबर हो जाएगा प्लस का 4। तो ये रहा बच्चों इसके सवाल, और ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से 100% IMP बच्चों, 100% IMP है, 100% IMP बच्चों, इसको आपको करके ही जाना है। अगर वीडियो न समझ में बच्चों 2 से 3 बार देखो, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक आप इसे प्रैक्टिस करते रहो बच्चों। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा IMP बच्चों, इसे जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम है, और बच्चों 3 नंबर में ये वाला पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो पहली एग्जाम हो, चाहे वो सेकंड एग्जाम हो।
दोनों ही एग्जाम में ये ताबड़तोड़ तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बारंबार बच्चों प्रैक्टिस करना होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बच्चों कैसे चलेगा, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग क्या करना, घर पे जाके ईमानदारी से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बच्चों। तो इस टाइप का कौन सा क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूं। तो ये रहा बच्चों दो क्वेश्चन मैंने बच्चों आपको दिया हुआ है। ये दो क्वेश्चन को बच्चों आपको इसी की तरह सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आपको सॉल्व करना है। और नहीं समझ में बच्चों यहां पर आंसर भी लिखा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, आप इसकी हेल्प ले सकते हो। लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं श्योर कहता हूं बच्चों आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगा। मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट और बेसिक अगर क्लियर हो गए हैं तो आपको इन सवालों को बार बार प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज ये सवाल 3 नंबर के पूछे जाएंगे। और इस बार बिना 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले, तो ईमानदारी से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।